अजंता के वास्तुशिल्प की क्या विशेषताएं हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में जिस प्रश्न को उठाया था, अब उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ये एक अत्यंत ही कठिन प्रश्न है। जब से अजंता आधुनिक मानव के जानकारी में आया, ऐसा कहते हैं कि 1819 ईस्वी में उसके बारे में पता चला, लेकिन अजंता के संबंध में सबसे पहला जो रिपोर्ट है वो 1821 ईस्वी में छपा था बाय विलियम अर्कसाइन। तब से लेकर के और आज तक लगभग 200 साल से भी एक या दो साल ज्यादा हो चुके हैं, तब से दुनिया अचंभित है इस प्रकार की अनूठी वास्तुकला वास्तुशास्त्र को देखकर। और विभिन्न विद्वानों ने 200 वर्षों में उसे वर्णित करने का, उसे समझने का प्रयास किया है। यह अपने आप में एक लंबी गाथा हो जाएगी, लेकिन वीडियो की एक सीमा है, 5 मिनट के अंदर मैं इसको बनाना चाहता हूं। मैं इसमें कुछ अपना शोध, मैं जो पिछले 20 साल 25 साल से उसको देख रहा हूं, लेकिन पहले उतनी समझ नहीं थी, ज्यादा समझ जो है ना वो पिछले कुछ वर्षों में डेवलप हुई, जब कोरोना सीजन में ज्यादा काम करने का मौका मिला। तो मेरे विचार थोड़े भिन्न हैं बाकी विद्वानों से। सबसे पहली बात यह है कि अजंता को आप एक पृथक रूप से देख नहीं सकते। इस दुनिया में पृथक कुछ भी नहीं है, कुछ भी आइसोलेटेड इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया का हर एक पेड़, हर एक बीज, हर एक प्राणी, हर एक वस्तु, हर एक चट्टान, वह सब कुछ इस जगत में जो व्याप्त है वह अन्य तत्वों से जुड़ा हुआ है। तो यह समझने की भूल तो हमें करनी ही नहीं चाहिए कि अजंता की अपनी कुछ विशिष्टता, यह प्रश्न ही अपने आप में एक प्रश्न है, अजंता की विशिष्टता की बखान करना। तो एक तरफ तो एक तथ्य है कि हर एक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी है, और अजंता भी उस समय में जब वह बना था, उस समय में जो भवन निर्माण करने की तकनीक थी, शैली थी, परंपरा थी भारत में, या भारत उस समय में जो विश्व के अन्य प्रदेशों से जो जुड़ा हुआ था, उन सबसे यह जनता भी जुड़ा हुआ था। हाँ, तब बात यह होती है कि वह संपर्क सूत्र क्या था, उसको अच्छी तरह से आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। मेरा एक शोध ऐसा कहता है कि ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं, वो अपने आप में कम से कम अध्ययन में, अध्यापन में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सिविलाइजेशन सभ्यताओं के बारे में हम जो पढ़ते हैं, और विश्व में जब हम आर्किटेक्चर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसके लिए उसमें विशिष्टता तो है ही। अब यह जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की जो शुरुआत है, ऐसा कहा जाता है कि वह लगभग 3री शताब्दी से प्रारंभ हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है वो लोमस ऋषि और परशुरामेश्वर के नागार्जुन हिल और बराबर हिल्स, जो बराबर के जो पर्वत है और नागार्जुन
की जो पर्वत है गया में, बिहार में, हालांकि वो आजीविकों के लिए बनाया गया था, सम्राट अशोक ने स्वयं और उनके परिवर्ती जो बाकी राजा आए उन्होंने भी उसके निर्माण में अन्य गुफाओं के, वहाँ पे 7 गुफा है उनके निर्माण में क्या किया, तो वो बुद्धिस्ट के लिए नहीं था, लेकिन वो आजीविकता, आजीविक भी एक पुराना पंथ था, क्योंकि घुमक्कर थे, श्रावक पंथ वाले थे, तो वहां से लिया गया। ये जो शैलगृह निर्माण करने की जो शुरुआत है वहां से हुई, ऐसा प्रकाशित ग्रंथों में मिलता है और यही पठन और पाठन में आज चलता है। और बाद में फिर ऐसा बताया जाता है कि भाई बौद्धों ने लिया। तो ये जो है, वैसे तो भारत में बहुत से बौद्ध स्मारक हैं और हम सब में नहीं जा सकते हैं, सबको उदाहरण भी नहीं दे सकते हैं, सबके बारे में वर्णन भी नहीं कर सकते इस समय में, लेकिन यह गौरतलब है कि अजंता में जो प्रथम कालखंड में जो 5 या 6 शैलगृह बने थे, और विगत वीडियो में जो मैंने बताया कि लगभग वो 2nd century BC से लेकर के 1st century AD तक लगभग ये 200 या 300 साल का काल था जब ये 4-5 गुफाएं जब आरंभ हुई, अजंता में बनना प्रारंभ हुआ उस कालखंड में, तो उस समय में जो गुफाएं बनी वो अपने आप में बड़ी विशिष्ट थी। और बाद में जो पीरियड 2 में 5th century में, 5वीं सदी में, जब अन्य लगभग 25 या 26 और भी शैलगृह जब बने, तो उसमें एक अलग प्रकार की विशिष्टता पाई जाती है। तो इन दोनों को हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। और जब ये बने तो बाकी से वो जुड़ा हुआ था, तो उस समय में जो 5 गुफाएं अजंता में जो बनी शुरू में, 6 गुफाएं जो बनी, उसमें से 2 या 3 जो गुफाएं हैं वह केवल शावकों के रहने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो संसार त्याग चुके थे। आज भी बौद्ध जो है वो संसार त्याग करके ही भिक्षु बनते हैं, और जैन मुनि भी ऐसे ही हैं, और क्रिश्चियनिटी में भी ये ट्रेडिशन था मोनेस्टिसिज्म का, जिसको हम बोलते हैं। तो उनके रहने के लिए जो है इस प्रकार की 2 या 3 गुफाएं बनेगी, और उनके रहने के लिए बहुत सिंपल है। आज जिस प्रकार से हम अपना कमरा बनाते हैं, चौकोर होता जी एक कमरा, संस्कृत में उसको प्रकोष्ठ बोलते थे, एंड वो एक प्रकोष्ठ ही हुआ करता था आरंभ में, और वो पहाड़ को काट करके चौकोर कमरा बना दिया, छत बना दिया, समतल छत और समतल फर्श और 4 समतल दीवारें, 1 दरवाजा, इतना ही सिंपल था अजंता में कम से कम, और महाराष्ट्र में जब शुरू हुआ, मैं लोमास ऋषि की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे थोड़ा कुछ अलग मामला था। और उस समय में 2 मंदिर बनाए गए, ध्यान होगा मैं 2 अलग अलग प्रकार के भवनों की बात कर रहा हूँ। एक ऐसे भवन थे जो रहने के, भिक्षुओं के रहने के उद्देश्य से बनाए गए थे, और वो जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य के हिसाब से जो आवश्यकता है वही आवश्यकता के हिसाब से वो आर्किटेक्चर बनाया गया, वो प्रकोष्ठ, वो कमरे, जिसको अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। बाकी उसमें कोई उतनी डेकोरेशन की आवश्यकता नहीं थी, और वो उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। लेकिन इनसे पृथक उस समय में 2 और शैलगृह बनाए गए, जिसका नाम है केव नंबर 9 और केव नंबर 10। अब इन दोनों की विशेषता ये है, जब आप उसको देखेंगे तो उसकी जो छत है वो वॉल्टेड है, वॉल्ट है उसमें, ऐसा है वो, और भवन के घरमुख जो है, फसाद अंग्रेजी में जो बोलते हैं आर्किटेक्चर की भाषा में, वो आर्च हुआ करता था, वहां पे है आर्च, तो वो आर्च ही बाद में फिर अंदर में छत में तब्दील हो जाती थी। तो ऐसा वहां पे वो बना हुआ है जनता में, केव नंबर 9 और 10 में ऐसा बना हुआ है। तो वॉल्टेड रूफ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हॉल है,
जिस हॉल के ऊपर में जो मंडप है, मटप भी कह सकते हैं, हॉल को उस टाइम पे मटप और मंडप कहा जाता था। मटप पाली भाषा में वो प्राकृत में प्रयोग होता है और संस्कृत में उसको मंडप, आज भी हम मंडप शब्द का प्रयोग करते हैं। मंडप का फंक्शन ये होता है कि जहाँ पे लोग जमा हो सके और किसी प्रकार का अनुष्ठान समारोह, किसी भी उद्देश्य में जब लोग जमा होते हैं तो एक हॉल की जरूरत पड़ती है। और आज मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी जो हॉल बनते हैं उनमें एक बहुत बड़ी एक चैलेंज होती है कि भैया स्पेस को कैसे बड़ा कर सके और कम से कम पिलर में हम कैसे काम कर सके। और फ्लैट सीलिंग तुम रखोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत ज़्यादा फ्लैट सीलिंग आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको पिलर जरूरत होती है तो छत गिर जाएगी, तो उसकी सॉलिडिटी को भी समझना बहुत जरूरत है। कंस्ट्रक्शनल जो आर्किटेक्चर में सॉलिडिटी और कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी के लिए सब चीज़ें करनी पड़ती है, और उस समय भी उन्होंने भी किया और इसमें भी पिलर बनाए उन्होंने। पिलर बनाना मजबूरी है, हॉल में भी बनाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें पिलर भी है, इस तरह से सब बनाए गए उन्होंने। और फिजिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि वॉल्ट बनाया गया क्रिश्चियन आर्किटेक्चर में भी, आप जाइए वेस्टर्न आर्किटेक्चर, रोमन आर्किटेक्चर, गॉथिक आर्किटेक्चर, ये सब जो कुछ देखिए, और ये भारत में भी जो, और इस्लामिक आर्किटेक्चर में भी जो गुंबद बनता है, वो ये एक शेप ही कुछ इस प्रकार का है कि वह वेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेट ट्रांसफर्स, वो सर्कुलर वर्तुलाकार इस प्रकार से जो बनता है वो वेट ट्रांसफर करके साइड में वॉल में वो कर देता है और आपको पिलर की आवश्यकता तब नहीं पड़ती है। तो ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, गुंबदाकार जो शेप है, ये वॉल्ट का जो शेप है, दरवाजे पे भी जो वॉल्ट बनाते हैं, तो वो बेसिकली ये फिजिक्स का लॉ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लॉ है वो उसके हिसाब से ये काम होता है। आर्किटेक्चर में एक ये अपरिहार्य है, पहले भी और आज भी। तो ये चीज़ें तो उसमें पाई जाती है। अब लेकिन ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा कि उस हॉल का आकार कैसा था। तो गुफा नंबर जो 10 है उसका जो बैक साइड है, पिछला साइड है, वह ऐसा है, जिसको अंग्रेजी में एप्साइडल बोलते हैं, और हम अपनी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि वह अर्धगोलाई है, वह अर्धगोलाई वो, और उसके बीच में स्तूप होता है जी, स्तूप होता है। आप सामने से ये जो वॉल्टेड है, ये जो आर्च है, वहां से आप प्रवेश कीजिए, फिर आपको ये पिलर नजर आते हैं और ये वॉल्टेड सीलिंग है, और वहाँ पे वो ये दीवार जो है, दीवार बिल्कुल समतल दीवार है, और इस दीवार से आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं और बीच में यहाँ पे स्तूप बना हुआ होता है और आप ऐसा प्रदक्षिणा कर सकते हैं। तो क्योंकि वो स्तूप की ही पूजा करते थे उस टाइम पे, चेतिया की ही पूजा करते थे, उसको चेतिया, प्राकृत में चेतिया बोला जाता और अंग्रेजी में चैत्य बोलते हैं। स्तूप का भी शब्द का प्रयोग होता है प्राकृत और पाली में, पहले थूप का प्रयोग, शब्द का प्रयोग होता है। अब वो थूप कहाँ से आया, वैदिक काल से था, ये सब था, वो हम जटिलता में नहीं जा सकते। इस थूप का निर्माण का डेवलपमेंट कैसी हुआ, उसकी परंपरा थी क्या थी, क्यों बनाते थे, लेकिन एक शब्द तो जरूर बोलना चाहिए कि बेसिकली स्तूप या एक प्रकार का स्मारक ही था, और उसके अंदर में शरीर, यानी जो कोई महान व्यक्ति या कोई इवन समीप के भी कोई श्रद्धेय व्यक्ति जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो आज भी उनके जो है ना अवशेष को हम जो है ना कई धर्मों में, कई पंथों में सुरक्षित रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उस पर किसी प्रकार का स्मारक बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से थूप जो है ना, अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको बरियल माउंड भी कहते हैं, कि जिसको बरी कर करके आप उस पर माउंड बनाते हैं जी। ये भी कई जगह कल्चर्स में चलता है, पहले भी चलता था, आज भी चलता है। तो ये स्तूप इन परंपराओं से जुड़ा हुआ, इन आस्थाओं से जुड़ा हुआ था। तो जहां जहां पे स्तूप मिले हैं, जो कंस्ट्रक्शनल आर्किटेक्चर में जहां जहां पे स्तूप मिले हैं, उसके अंदर में स्थि भी हमें प्राप्त हुए, म्यूजियम्स में रखे गए हैं, जिनको हम शरीर धातु बुद्धिस्ट फेथ और बुद्धिस्ट ग्रंथों में उनके मान्यताओं के मुताबिक उसको शरीर धातु, यानी शरीर का ही एक वहाँ पे तत्व उसमें मौजूद है, और उसकी पूजा आराधना लोग करते थे। शाक्य मुनि भी उनमें से एक थे, भगवान बुद्ध, उनके भी अस्थि को इस प्रकार से प्रिजर्व किया गया था। शुरू में 8 मुख्य स्तूप बनाए गए थे, बाद में सम्राट अशोक, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है, बुद्ध धर्म ग्रंथों में मान्यता के मुताबिक बाद में 80,000 स्तूप जगह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको वितरित किया, और 80,000 स्तूप उन्होंने पूरे विश्व में बनाया उन्होंने।
अब 80,000 जो संख्या है उसमें किस प्रकार का सत्य है, किस प्रकार का वो संभव है नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, बट ऐसा हमारे हमें बताया जाता है। तो अजंता में भी जो स्तूप है, ये गुफा नंबर 9 केव और नंबर 9 और केव नंबर 10 में, ऐसा मुझे लगता है कि संभवतः उसमें भी जरूर रेलिक्स होगा, कास्केट होगा, क्योंकि इवन शैलग्रहों में भी जिनको खोद कर बनाया जाता है, जो निर्माण नहीं करते हैं आप, ईंट पर ईंट रख के नहीं बनाते हैं, उसको पहाड़ में खोद करके बनाते हैं, वो चट्टान होता है, वो सॉलिड होता जी, लेकिन उसमें भी भाजा में जो है ना रॉकेट केव्स हैं, रॉकेट स्तूपाज हैं, उसमें भी सॉकेट मिले हैं और उसके अंदर में भी रेलिक कास्केट मिला है जिसको रिट्रीव किया गया है और अभी हम म्यूजियम्स में आपको मिल सकता है देखने के लिए। उसी प्रकार से पीतल खोरा में जो अजंता से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर के अंदर है, वहाँ भी रॉक कट केव जो है वहाँ पे भी हमें स्तूप धातु मिला है, रेलिक कास्केट्स मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इवन रॉक कट जो एक्सकवेशन थे, रॉक कट जो मोनेस्ट्री थे, रॉक कट टेम्पल थे, शैलगिरी जो थे, उसमें भी यही परंपरा, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन अभी आर्कियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि कई बार हमको अतीत से चीज़ प्राप्त होती है, लेकिन ज़्यादातर हमें जो है ना चीज़ प्राप्त नहीं हो जाती, कालांतर में वो नष्ट हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। और अजंता केव नंबर 9 और 10 में, चूँकि वो सबसे नीचे है, पूरा पहाड़ को काट करके ऐसा बनाया गया है, ऐसा पूरा ऐसा है वो पहाड़ जिसमें नदी बहती है, नदी इस प्रकार से बहती है, और वो क्लिफ जो बोलते हैं वो बिल्कुल ऐसा है वो, और उसको ही काट करके उसमें बनाया गया है। तो वो अलग अलग ऊंचाई पर, उस क्लिफ की अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग भवन बनाए गए हैं, क्योंकि ये सबसे पहले उस क्लिफ में, उस स्थान पर, उस पर्वत पर जिसका नाम सह्याद्री पर्वत है, अभिलेख में भी ऐसा वहाँ पे अजंता के अभिलेख में सह्याद्री पर्वत नाम भी बताया गया, और आज भी उसको सह्याद्री पर्वत के रूप में महाराष्ट्र में सारे लोग जानते हैं, और ज्योग्राफी पढ़ने वाले भी उसको उसी रूप में बुलाते हैं, जो वेस्टर्न घाट का जो पहाड़ है, पठार है। तो कहने का तात्पर्य कि चूंकि वो सबसे लो लेवल ऑफ एलिवेशन पे, उसकी जो ऊंचाई है बहुत ही कम है, बस ये नदी है और नदी से थोड़ी सी आप चढ़ के जाइए तो आप उस गुफा में पहुंच सकते थे, चूँकि उसकी वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल था, कम से कम आसपास के लोग तो आते ही थे, ठीक है आधुनिक मानव को अभी पता चला, लेकिन वहाँ पे आसपास जो ट्राइबल रहते थे और आज भी जो गांव वाले रहते हैं, वो लोग तो उसमें आना जाना करते थे शायद, और उसकी वजह से क्या हुआ है, और वो प्रत्यक्त था 1,500 साल से 2,000 साल से उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था, तो उसके अंदर में जब वो पहली बार उसको पुराने फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो पूरा सारा पिलर टूटा हुआ है और अंदर में बहुत ही कचरा भरा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था और जंगल झाड़ ये सब हो गया था बिल्कुल ही। तो उसकी वजह से स्तूप का निचला भाग, नीचे से लगभग आप कह सकते हैं 1 मीटर कम से कम, वह नष्ट हो गया था। और बेसाल्ट भी एक ऐसा रॉक होता है जिस बेसाल्ट में वो बनाया गया है, वो बेसाल्ट भी है कि वो बहुत ही कोमल पत्थर होता है, वो बेसिकली वोल्केनिक लावा ज्वालामुखी, जब लाखों साल पहले, 30 लाख साल पहले शायद, जब ज्वालामुखी जब हुआ उससे वो पूरा दक्कन का पठार बना, इतना विशाल दक्कन का पठार, लगभग 2,000-2,500 किलोमीटर लंबा है, वो सब उससे बना। तो लावा है वो बहुत ही पोरस होता है, उसके अंदर में बहुत छिद्र होते हैं, तो उसमें आपका ये जो मॉइस्चर जाता है, बरसात के दिनों में पानी जाता है, मॉइस्चर जाता है, वेजिटेशन हो जाता है, तो डिसइंटीग्रेट होता है। कहने का मतलब कि कंपेयर टू अदर रॉक्स, ये रॉक में जो हम बैठे हैं इसके कंपेयर में, ग्रेनाइट के कंपेयर में, लाइमस्टोन से और बाकी बहुत से पत्थर के कंपेरिजन में, जो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, वो बेसाल्ट थोड़ा सा ज़्यादा मुलायम होता है, इसके चलते नष्ट ज़्यादा हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें संभवतः धातु शरीर रहा होगा जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो शायद नष्ट हो गया। तो ये जो अजंता की आर्किटेक्चर की क्या विशिष्टता है, इसके बारे में एक छोटा सा परिचय जो है ना वो मैंने इस वीडियो में प्रस्तुत किया, लेकिन मेरा पूरा ध्यान था केवल आरंभ जो पहला कालखंड में जो अर्ली अजंता है उसमें जो बनाएंगे उसके बारे में। अब बाद में जब अजंता होता है 5th सेंचुरी में, उसमें जो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है तो वो बहुत ही एक जटिल विषय है, और शायद उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाने की आवश्यकता है।